खबर नागदा से, शासकीय अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने पर हो रही परेशानी। अस्पताल में इलाज के उपकरण होने के बावजूद नहीं हो पा रहा इलाज। नागदा में बने शासकीय अस्पताल में अव्यवस्थाओं का दौर लगातार जारी। डॉक्टर नहीं होने पर आम इंसान का इलाज भी समय पर नहीं हो पाता, जिससे कई लोग अपनी जान से हाथ धो देते। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा मामला आया जहाँ एक पत्रकार ने समय पर डॉक्टर नहीं मिलने पर शासकीय अस्पताल में अपना दम तोड़ा। ऐसा नहीं था कि अस्पताल में इलाज की मशीन उपलब्ध नहीं थी, मशीन भी अस्पताल में थी, सभी उपकरण भी अस्पताल में उपलब्ध थे, परंतु उसे चलाने वाला डॉक्टर और स्टाफ नहीं था, जिससे इतनी बड़ी घटना घटित हुई। जब हमने अस्पताल के बीएमओ शिवराज कौशल से इस बारे में बात की, तब उन्होंने बताया कि नागदा शासकीय अस्पताल में डॉक्टर काफ़ी कम संख्या में हैं। यहाँ करीब 6 डॉक्टर अस्पताल में होने चाहिए, सिर्फ 2 डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो और नागदा राज्यपाल जी का कृषि क्षेत्र भी है, जिससे आए दिन नागदा में उनकी मूवमेंट लगी रहती है, जिससे एक डॉक्टर तो उनकी ड्यूटी में चल जाते हैं। कभी कभी तो नगर में वीआईपी ड्यूटी लगने से एक भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं रहते, जिससे आम आदमी को परेशानी होती है। हमें कम से कम 5 डॉक्टर अस्पताल को मिल जाए तो हम समस्या से निजात पा सकते हैं। सर, अभी सरकारी अस्पताल की बात करें नागदा के या फिर उज्जैन जिले के, जो आपके अंडर में जो सरकारी हॉस्पिटल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सर अनियमितता पाई जा रही है। इक्विपमेंट होने के बाद में भी जो लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, क्या कारण रहा है सर इस तरह? इक्विपमेंट में इक्विपमेंट मतलब सामग्री जो मतलब मशीनें होने के बाद में भी जो कहीं ना कहीं जो इलाज से रह रहे हैं। अगर आईसीयू में मशीनें हैं तो उसके लिए हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है, मेडिसिन का डॉक्टर स्पेशलिस्ट चाहिए, उसके साथ में और मैन पावर चाहिए, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल नागदा सिविल हॉस्पिटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हमारा जो अभी वर्तमान में चल रहा है ये बीमा हॉस्पिटल में चल रहा है। तो यहाँ पे हम किराए से एज ए किराए से रह रहे हैं, और वो जो भी इक्विपमेंट वगैरह आईसीयू हैं वो अपने पुराने हॉस्पिटल जहाँ नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर हैं, तो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और हमें अगर इसके लिए डॉक्टर मिल जाएंगे, स्टाफ मिल जाएगा, तो हम चालू कर सकते हैं। सर, अभी कितने डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट है और कितने डॉक्टर अभी फिलहाल आपके सिविल हॉस्पिटल में? 10 से 12 डॉक्टरों की पोस्टिंग होती है, 10 से 12 पोस्ट सेंसर है। अभी हमारे पास वर्तमान में केवल 2 डॉक्टर है। वो मतलब कौन कौन से क्षेत्र संभाल रहे सर अभी? दूसरा एक हमारे डॉक्टर गौरव पटेल हैं, जो बच्चों के विशेषज्ञ हैं, बालों के विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिक हैं, और एक हमारे पास मैडम है जोशी मैडम, वो गायनेक स्पेशलिस्ट है। तो वो 2 डॉक्टर ही सर पूरा जो क्षेत्र संभालते हैं? हाँ। वो मतलब कितने कितने घंटे ड्यूटी कर लेते होंगे फिर इस तरह से देखे जाए तो? अब व्यवस्था हिसाब से 12 घंटे एक दिन में देख ले, रात में देख ले, इस तरीके से करते। और हमारे वीआईपी मूवमेंट भी रहता है, तो हमारे पास मेडिसिन का कोई डॉक्टर नहीं है। वीआईपी मूवमेंट में कौन है सर? वीआईपी मूवमेंट में भी डॉक्टर गौरव पटेल की और एक डॉक्टर और मिला के हम पूरी करते हैं यहाँ पे। तो वीआईपी मूवमेंट किसका होता है ज्यादातर? वीआईपी महामहिम राज्यपाल जी, जी राज्यपाल जी का रहता है, गृहनगर है उनका, तो इसके हिसाब से वो ड्यूटी लगाती है। एक टीम उनको वहाँ से उज्जैन से यहाँ तक छोड़ने आती है, उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोगों के मतलब उनके लिए भी समय देना पड़ता है। हाँ, पूरी टीम रहती है। अगर सर यहाँ पे कितने कम से कम कितने डॉक्टर अगर मिल सके तो इलाज? सर अभी हमें कम से कम 5 डॉक्टर तो चाहिए व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो सर किसके लिए आपने रिक्वायरमेंट करी जिला कलेक्टर को? हमने अपने सीएमएचओ ऑफिस के, सीएमएचओ सर के लिए और सीएमएचओ वरिष्ठ कार्यालय को हमने लिखा। तो सर उन्होंने क्या आश्वासन दिया अभी तक? कुछ उन्होंने बोला है कि हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे। दूसरा ये है कि सर आपके ब्लॉक में हर गांव में हम ज़्यादातर जाते हैं, टोटल फर्जी डॉक्टर है, वो बंगाली डॉक्टर है, धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं, मतलब ये समझ लो कि यहाँ तक कि वो ऑपरेशन तक कर रहे हैं। तो आज तक सर इन डॉक्टरों पे कभी कार्रवाई हुई क्या यहाँ आपकी तरफ से? बिल्कुल, जब भी हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिलते हैं हम जांच भी करते हैं, और वैसे भी जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ तब भी देखता हूँ। और गांव में हम लोगों को यही बोलते हैं कि अपने हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके अपना एक सही डॉक्टर से इलाज कराएं। सर पिछले दिनों एक पत्रकार की अस्पताल परिसर में मौत हुई थी, इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा, इस संबंध में आपका क्या कहना है? जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे डॉक्टर गौरव पटेल, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बोला सर ये मैसिव कार्डियक अटैक आया था, और विदिन 2 मिनट के अंदर हमें इन्होंने समझा उसको देखा, और उनको अपनी गाड़ी के सामने वो ग्रेसिव में भी ले गए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम बचा नहीं पाए। तो सर क्या कारण रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं कमी तो रही ना कहीं ना कहीं, मतलब चाहे स्टाफ की माने, चाहे मैं मेडिकल इक्विपमेंट की माने, चाहे मतलब किसी तरह की कमी ना कहीं रही थी? नहीं, मेडिकल इक्विपमेंट इसमें जो है, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट डॉक्टर तो है, दवाइयाँ अपने पास पूरी पर्याप्त हैं, जो उस समय दे सकते थे वो अपन ने किया, पर जहाँ तक आप स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं कमी थी, स्पेशली होते तो आज उनकी जान बचाई जा सकती थी। अब इस तरीके इस बात को मैं ऐसे नहीं कह सकता,
अगर डॉक्टर्स होंगे तो ये जरूर है कि बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। मेडिसिन का स्पेशल डॉक्टर होता है वो इन्हीं के लिए होते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। खबर भारतवर्ष के लिए नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।